किसी भी फिल्म का असली जो वर्डिक्ट है ना वो ये बॉक्स ऑफिस है जो असली कहानी बताता है कि एक्चुअली ये फिल्म जो है ये कितना बिजनेस करके गई कितने प्रॉफिट में गई क्या लॉस में गई वट एवर इट इज बॉक्स बॉक्स ऑफिस हमारे को सारी पिक्चर जो है वो क्लियरली बताता है अब टाइगर थ्री की बात करने वाले हैं हम लोग आज अट्ठारहवां दिन था आज पीक वीक डे चल रहा है लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आज सुबह की जो एडवांस uh, बुकिंग थी दैट थर्टी फाइव लैक्स की एडवांस बुकिंग थी उसको देखकर मैंने आपसे कहा था कि बॉस रुझान जो है मुझे लगता है अच्छे रुझान आएंगे आज के के क्योंकि कल रुझान रात की जो जो स्पेशली ऑक्यूपेंसी थी उसने तो कमाल कर दिया तो uh, आज के दिन क्या कुछ देखने को मिल रहा है हमारे को आज ऑक्युपेंसी क्या बता रही है और साथ साथ में शो काउंट्स में कोई कमतरी तो नहीं आई है और कलेक्शन कहाँ तक पहुंची है सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में वीडियो जरूर देख लो चैनल कर लो सब्सक्राइब बात करेंगे हम लोग सबसे पहले टाइगर थ्री की इस जर्नी के बारे में हर वीडियो में मैं थोड़ा बहुत जर्नी के बारे में जरूर बताती हूँ क्योंकि तो मेरे हिसाब से तो है पहले भी एक अच्छे रिस्पेक्टेबल रे, नंबर तक पहुंच गई थी अब ये नंबर इससे आगे और कहां तक जा रहा है वो मैं आपको बताती हूँ पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्युपेंसी की तो आज टाइगर थ्री डे नंबर एटीन मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी जो है आज रही एट परसेंट कल जैसी ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून नाइन पॉइंट फोर सेवन परसेंट कल से कम इवनिंग जो है वो रही है टेन पॉइंट फाइव परसेंट कल के जैसी ही क्या रात में भी हमारे को एक चमत्कार देखने को मिल सकता है जैसे हमको कल देखने को मिला था मैं आपसे कहूंगी कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि चमत्कार नहीं हो सकते होते हैं और जब होते हैं तो हम तब ये सोचते हैं कि अरे हुआ तो कैसे हुआ सो so, um, जी हाँ नाइट शोज में अभी कह नहीं सकते मुझे लगता है नाइट शोज जो है ऑक्यूपेंसी वाइज 12 से 13 परसेंट तक फॉल कर सकते हैं अगर हो गया ऐसा तो आज के दिन की भी कलेक्शन कल के प्रोडिक्शन से ज्यादा हो जाएगी यानी कि सुबह के प्रोडिक्शन से ज्यादा हो जाएगी जो मैंने आपसे कहा था मैं डेढ़ से दो करोड़ की बस प्रोडिक्शन लेकर के चल रही हूं सो so, क्या ये मेरा डेढ़ से दो करोड़ का नंबर जो है आता हुआ लग रहा है तो आपको बता दूं एक ही सिंपल सी लाइन में जी हाँ डेढ़ करोड़ जो है वो कंप्लीट कर चुकी है 1.55 करोड़ ऑफ डे नंबर 18 हो चुका है इसका मतलब ये है टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 277.6 करोड़ तक हो चुकी है अब कई लोग मुझसे यहां पर ये यह भी कह रहे थे कि आ, आप कलेक्शन थोड़ी सी क्यों हल्का सा लो बता रहे हो ऐसा नहीं है कभी कभी डिस्क्रिपेंसीज होती है ऊपर नीचे चलता रहता है एक आध करोड़ का प्लस माइनस जो है कभी कभी हमारे को देखने को मिलता ही है विच डी फिल्म जो है ये अंडर परफॉर्म कर रही है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि टाइगर को लेकर जो नैरेटिव चल रहे थे शायद उनके चलते लोगों के मन में परसेप्शन हो सकता है कि टाइगर की जो कलेक्शन है ये उस नंबर की नहीं आई उस हिसाब की नहीं आई लेकिन अगर आप टाइगर को टाइगर से ही कंपेयर करोगे तो आप समझ जाओगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि नंबर्स जो है ये अच्छे हैं इट्स नॉट बैड एंड इट्स नॉट अंडर परफॉर्मर इट इज अ वेरी गुड परफॉर्मर अच्छे नंबर पर ये फिल्म जो है ये सिमटती हुई नजर आ रही है अब सिमटती हुई नजर आ रही है यार मैं आपसे आपको किसी फॉल्स होप में नहीं रखूंगी लग रहा है क्योंकि एक तो फर्स्ट को फर्स्ट को दो बड़ी रिलीजेस हैं उसके बाद दिसंबर में और दो बड़ी रिलीजेस हैं डंकी और सलार तो भाई जो है, जो हैं हैं टाइगर के पास बहुत क्रूशल हो चुका है अब मामला कि ये कितने दिन तक रहेंगे और कितने रहेंगे सो so, आज का अगर मैं आपको बताऊं राहत की सांस लो आज भी जो है शो काउंट्स बरकरार है कल जैसे ही है ज्यादा कम नहीं हुए हैं कल या परसों आ सकता है एक बड़ा चेंज क्योंकि लगातार एनिमल के शो काउंट्स बढ़ रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं तो ये अब कहाँ से फिर बढ़ेंगे जब एक जगह से खम नहीं होंगे तो तो मतलब अगर थोड़ा सा रैशनली सोचें तो इसका मतलब यही है कि अब धीरे धीरे करके टाइगर के शो काउंट्स और कम होने जा रहे हैं विच मीन्स टिकट प्राइस तो वैसे ही कम कर दिया था शो काउंट्स भी कम हो जाएंगे तो फिर कलेक्शन जो है 280 करोड़ इंडिया नेट के आसपास ही सिमटेगी इसके आगे कहाँ तक जाती है मुझे डाउट रहेगा उस पर लेकिन Uh, इतना तो ये बड़े आराम से करती हुई नजर आ रही है तो क्या लगता है अब आपको टोटल कलेक्शन के बारे में सुनकर और आज रात की ऑक्युपेंसी आपकी प्रोडिक्शन क्या है आज रात की क्या ऑक्युपेंसी रहेगी मेरी प्रोडिक्शन रहेगी बारह परसेंट अगर कल तेरह था तो आज बारह हम लोग सोच सकते हैं क्योंकि एक एक परसेंट कम ही आया है सो तो अगर आपको लगता है कि बारह की ऑक्युपेंसी रहने वाले कॉमेंट सेक्शन में मेरे से यू you नो know, बात कर सकते हो बाकी फ्लाइक दिस वीडियो हम सब डोंट शेयर इट एंड डोन्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल